स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा रविवार को शहरी गोठान कोसानगर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गोठान में फैली जंगली झाड़ियों की कटाई की गई, कचरों को एकत्र कर डस्टबिन में फेंका गया। सफाई अभियान में पार्षद एवं महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी और निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने भी अपनी सहभागिता दी। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा प्रत्येक रविवार को विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। इसी के तहत अभियान के 198 सप्ताह में समिति द्वारा कोसानगर स्थित शहरी गोठान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गोठान परिसर के चारों ओर फैली जंगली गाजर घास की कटाई की गई। पूरे परिसर को झाड़ू से साफ कर फैले कूड़ा करकट को साफ किया गया। गोठान की सफाई करने के साथ ही यहां एकत्र कचरे को सफाई वाहन में डाला गया। अभियान में पार्षद और महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और समिति सदस्यों के साथ मिलकर परिसर की सफाई की। महापौर परिषद के सदस्य संदीप निरंकारी और निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वच्छता ही सेवा है संस्था का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हर जगह स्वच्छता की ओर ध्यान दे रहे हैं और स्वच्छता अंदर का जो प्रदूषण होता है वो भी खतरनाक होता है और बाहर का भी प्रदूषण खतरनाक होता है। आज ये जो संस्था है वो हर तरफ प्रदूषण को कम कर रही है, सेवा भाव से कार्य कर रही है, इसकी बहुत बहुत मैं सराहना करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों की भी जहाँ जरूरत होगी इस संस्था को हम पूरा सहयोग करेंगे और कंधे से कंधा मिला के भिलाई नगर निगम को एक क्लीन सिटी, स्वच्छ सिटी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों की इस भावना का बहुत बहुत सराहना करता हूँ और आगे से विश्वास दिलाता हूँ कि हम साथ हैं, साथ रहेंगे, इस अभियान में हमेशा आपका साथ है। आज हमारे कोसानगर गोठान में स्वच्छता ही सेवा समिति के द्वारा अपना गोठान में आकर के अपना स्वच्छता का अभियान चलाया गया है। अब इनका लगभग 198 स्वच्छता ही सेवा का दिन है। मैं इसके पूर्व रिसाली में था, इनके द्वारा भी अलग अलग सार्वजनिक जगहों को अपने मन से स्वयं चयन करके साफ सफाई किया जाता है, जिससे शहर में एक अच्छा संदेश जाता है और शासन प्रशासन को इनके सहयोग हमेशा मिलता रहा है और अच्छा काम के लिए हम अपील भी करते हैं तो कहीं भी इन लोग किसी भी समय इनका युवक की टीम यहाँ पर आकर के अपना काम करती है। बहुत ही अच्छा है, इसका संदेश है कि हम स्वच्छ रहेंगे तो पूरा हमारा नगर भी स्वच्छ रहेगा, आप लोग भी स्वच्छ रहोगे। तो ऐसा ही हम अपील करते रहें कि हर अलग अलग सार्वजनिक जगह में मंदिर मस्जिद हो जाए, कोई भी पब्लिक प्लेस हो उसमें हमको सेवा अपना करते रहें। आप सभी को बधाइयाँ, आपने हमारे गोठान में आकर सेवा दिया और आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग करते रहें। बहरहाल इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।